मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस मौसूल हो सकें, और ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियाँ अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना अहम मौजू जो हम पिछले दफ़ा डिस्कस कर रहे थे कि फ़कीर से राजा बनाने वाला योग, ये वो कौन सा योग है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। इसका हिस्सा वल हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं और हिस्सा दोम आज इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे। तो अक्सर आपने ये सुना होगा कि जब इंसान की किस्मत साथ देती है तो वो मिट्टी को भी हार डाले तो वो सोना बन जाता है, और अगर इंसान का वक्त पूरा चल रहा हो, उसकी तमाम तर कोशिशें, तमाम तर तदबीरें वो उल्ट हो जाती हैं और उसको नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो 2021 का जो साल है, ये साल बहुत अहम साल शुमार किया जा रहा है, और इसके अंदर जो अहम राजयोग बनने जा रहे हैं, पंच महापुरुष योग बनने जा रहे हैं, यानी कि ऐसे योग जो इंसान को फकीर से राजा बना सकते हैं। और ये योग किसी भी आम शख्स के जायचे में नहीं देखे गए, और अगर कोई ऐसा इंसान जिसके जायचे के अंदर मौजूद हैं ये योग, तो चाहे वो कितना ही गरीब क्यों ना हो, किसी गरीब घराने में ही क्यों ना पैदा हुआ हो, तो वो इंशाल्लाह ज़िंदगी में बहुत तरक्की करता है और बहुत कामयाबियां, नाम, इज्जत, मर्तबा हासिल करता है। ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, और मैंने भी इन योग के ऊपर खसूसन रिसर्च की, इसको देखा, ऐसे लोगों की जायचे जमा किए कि जिनका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था किसी भी हवाले से, किसी भी फील्ड में। मैंने, अगर आप देखें, पॉलिटिक्स में देखें, स्पोर्ट्स में देखें, सहाफत में देखें, और टीवी के ऊपर सेलिब्रिटीज़ को देख लें, ऐसे लोगों को मैंने हॉरोस्कोप जमा किया और उनमें देखा कि ये योग पाया गया। तो जिन अफराद के जायचे में ये योग होगा, इंशाल्लाह 2021 उनके लिए उनकी लाइफ को बदल देगा। और पंच महापुरुष योग का मतलब है पांच जो सितारे हैं, सितारा अतारद, सितारा जोहरा, सितारा मरीख, सितारा मुशरी, सितारा जुहर। इनकी ख़ास पोजीशन अगर जायचे में बने तो उसको कहते हैं पंच महापुरुष योग, और उनमें से एक योग हम पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हमने हमसा योग, जो मुशरी की वजह से बनता है। और आज हम इसका जो सेकंड पार्ट है उसको देखेंगे, और वो योग है सासा योग, SASA आगे उसके योग है, सासा योग। यानी कि ये योग तब बनता है, ये सितारा जोहल की एक ख़ास पोजीशन, यानी जब सितारा जोहल बुर्जे मिजान, बुर्जे जद्दी या फिर बुर्जे दल्फ के अंदर मौजूद हो, और वो आपके जायचे के केंद्र में मौजूद हो, यानी कि 1, 4, 7, 10 ये केंद्र कहलाते हैं जायचे के अंदर घर। और इनके अंदर अगर ये बरूज आए और इसमें अगर जोहल आए, सितारा जोहल आए, तो ये योग बनेगा। इस योग के असरात क्या होते हैं, इस पोजीशन के असरात ये है कि चाहे वो इंसान कितना ही गरीब क्यों नहीं पैदा हुआ है, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी प्रॉपर्टियां बनाएगा, प्रॉपर्टियों का मालिक होगा, लैंड उसके पास बहुत ज़्यादा होगी, दौलत उसके पास होगी, अच्छी ज़िंदगी में पोजीशन हासिल करेगा, पॉलिटिक्स के अंदर भी एक अच्छा पोजीशन बना सकता है,
और अगर उसका फैमिली बैकग्राउंड नहीं है पॉलिटिक्स के हवाले से, तब भी वो कम से कम एक सूबे का एडमिनिस्ट्रेटर यानी वज़ीरे आला गवर्नर बन सकता है। और इसके अलावा मज़ीद भी उसकी ज़िंदगी बहुत सारी कामयाबियाँ, लग्ज़री लाइफ नज़र आते हैं। अब हम देखेंगे कि वो कौन से बुरूज हैं जिनके जायचे में ये योग बनेगा। सबसे पहले देखेंगे कि इनका बुर्ज सौर वाले अफराद के जायचे में ये योग बनेगा इस साल। और दूसरे नंबर पर है बुर्ज असद वाले अफराद के जायचे में ये बनेगा योग। तीसरे नंबर पर हैं बुर्ज अकरब, इनके जायचे में ये योग बनेगा। और चौथे नंबर पर है बुर्ज दल, इनके जायचे में भी ये योग बनेगा। तो ये चार बरूज जो हैं इनके लिए 2021 का जो साल है ये इतना पॉजिटिव रहेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। कुदरत आपके ऊपर इतनी मेहरबान हो जाएगी इंशाल्लाह कि आप का वहमो गुमान भी नहीं होगा जितनी तरक्की इंशाल्लाह आप कर सकेंगे। लेकिन आपने इसको पढ़ना कैसे है, अगर आपका ताले बुर्ज सौर, असद, अकरब या बुर्ज दिलु है, यानी कि आपका टाइम ऑफ पैदाइश, आपका वक्त, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, जब इन तमाम को कैलकुलेट करेंगे, अगर आपका एसेंडेंट जिसको हिंदी वाले लगन भी कहते हैं, अगर ये आपकी लगन सौर, असद, अकरब या दिलु है, तब ये योग आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा और इंशाल्लाह आपको इसकी कामयाबियां और इसके समरात मिल सकेंगे। अब मैं आपके साथ एक अहम नुक्ता शेयर करने जा रहा हूं जो अक्सर मुनज्जमीन नहीं बताते, या अक्सर मैंने अपनी प्रैक्टिस के अंदर देखा है कि लोग, इंडिया से लोगों ने अमेरिका से, कनाडा से मुझसे कांटेक्ट किया और उन्होंने सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि हमारे जायचे में पंच महापुरुष योग बना हुआ है और ये हमें कोई उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा, उसको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो इसकी क्या वजह है। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल था मेरे लिए और मैंने फिर उसके ऊपर रिसर्च की, डीप एनालिसिस किया, तब मेरे सामने वो चीज़ें आई कि ये किन हालात में ये योग काम नहीं करेगा या ये वीक योग बना होगा, तो इसको स्ट्रेंथ कैसे किया जा सकता है, इसके आपको मैक्सिमम जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे आप इसे ले सकते हैं। तो उस हवाले से भी ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि आपका जायचा पैदाइश मुकम्मल तौर पर एनालिसिस करने के बाद बताया जा सकता है कि ये योग कितनी पावरफुल है, कितना ज़्यादा एक्टिव होगा। और जिन लोगों के जायचे में अगर स्टार की पोजीशन अच्छी हो गई, इंशाल्लाह उनको तो 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। तो ये एक बिल्कुल मुख्तसर सा एक ओवरव्यू था, आप इसमें भरपूर अपनी प्लानिंग कर लें। आप किसी भी शोबक ज़िंदगी से वाबस्ता है, चाहे वो मीडिया है, पॉलिटिक्स है, बिजनेस है, या फिर सेलिब्रिटीज़ हैं, या किसी भी ऐसे शोबे में जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये आपको किसी न किसी हवाले से बहुत ज़्यादा बेनिफिट ज़रूर देगा। अपना फीडबैक ज़रूर देते रहें और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। बाफी।